हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल बैलून आज हम चेंज करेंगे। तो सभी नट बोल्ट को अच्छी तरह से खोलेंगे दोस्तों। खोलने के बाद इसे हम एक्सेल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों, चलिए इस रबड़ को हम शाफ्ट में से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सेल चिड़िया है। इस चिड़िया को हम नट खोल करके बाहर निकालेंगे। इजी निकल जाता है दोस्तों, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसके बाद हम रबड़ को निकालेंगे बाहर। रबड़ निकालने के बाद दोस्तों, एक बूश भी आता है। देखिए दोस्तों, ये बूश है। इस बूश में एक आलसील होता है दोस्तों। वीडियो में हम नहीं दिखा पाए क्योंकि शूट नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, चलिए इस रबड़ में हम इस बूश को फिट करते हैं। बूश थोड़ा सा हार्ड जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है इसमें। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों, चलिए बूश फिट हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम एक्सेल शाफ्ट में इस रबर को डालेंगे दोस्तों। इसे लगाने के बाद हम चिड़िया को डालेंगे। नट बोल्ट से हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे दोस्तों। इसे थोड़ा सा टाइट अच्छी तरह से करें ध्यान से। ढीला रहेगा तो फिर इसका जो मीनिंग होता है वो ख़राब होता है दोस्तों। तो एक चिड़िया मेरा टाइट हो चुका है। टाइट होने के बाद चलिए दोस्तों, अब हम इसे गेयरबॉक्स के अंदर लगाते हैं। तो रबड़ में अच्छी तरह से सुलेशन को लगा ले दोस्तों, ताकि आयल ना लीकेज करे। तो दोस्तों, ये देखिए गेयरबॉक्स में हम इसको लगा रहे हैं दोस्तों। इसमें दो ग्रुप बना हुआ होता है। ग्रुप को सामने रख करके ही एक्सेल को लगाया जाता है, नहीं तो नहीं जाता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से करें इसे। तो दोस्तों, एक टीना का एक प्लेट होता है, उस प्लेट को हम बोल्ट लगाकर टाइट करेंगे जिससे मेरा रबड़ अच्छी तरह से चपका रहे। फिर दोस्तों, हम कपलिंग रबड़ का बोल्ट को टाइट करेंगे। तो चलिए, सब टाइट हो चुका है नट बोल्ट दोस्तों। देखिए फिट हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।